हे फूडीज, वेलकम टू द स्पाइस एक्सप्रेस। मैं हूँ पूजा और मैं हर रोज आपके लिए नई से नई रेसिपीज लेकर आती हूँ। तो देखिए क्या खास बात है हमारी आज की रेसिपी में, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा सब्जी का मसाला। इस मसाले से आप बहुत सारी भरवा सब्जियां बना सकते हैं। एक बोल में मैंने आधा चम्मच जितना नमक डाला है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया 2 चम्मच। सूखा धनिया का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है भरवा सब्जियों में और ये थोड़ा ज्यादा ही डलता है। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें और आधी ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये थोड़ा तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर लिया है क्योंकि हमने सिर्फ अंदर ही मसाला लगाना है। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला और इसका मेन इंग्रेडिएंट चटपटा बनाने के लिए है आमचूर। तो करीब 1 से 1.5 चम्मच जितना आमचूर डाला है। अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो कम डालें। अब मैंने इसमें डाल दिया है करीब 1 चम्मच जितना कसूरी मेथी, उसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं इस मसाले से आज आपको ये भरवा मिर्चे बनाना दिखाऊंगी। तो मैंने ये जो मिर्चे हैं इन्हें अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद अब हम इसे सूती कपड़े से साफ कर लेंगे। इनमें कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमें इसे 5 से 6 दिन के लिए स्टोर करना है। तो मैं एक सूती कपड़ा लूंगी और उससे मैं इसे साफ कर लूंगी। और वैसे भी अगर मिर्ची गीली होंगी तो तेल में डालते समय उनसे छींटे आ सकती हैं तेल की। तो अच्छे से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद अब मैं इसमें बीच से चीर लगाऊंगी। और हमने इसे बीच से चीरा लगाने के बाद इसके अंदर मसाला भरना है। ये देखिए, सारी मिर्ची साफ हो गई हैं। अब मैंने एक चाकू की हेल्प से बिल्कुल सेंटर में चीर लगाया है और अब मैं चम्मच की हेल्प से इसमें मसाला फिल कर दूंगी। 1/4 टीस्पून मसाला डालूंगी ऊपर से नीचे तक। और ये देखिए, सारी रेडी हो गई हैं। तो ये जो मसाला है ये मल्टीपर्पस है, इससे हम बहुत सारी भरवा सब्जियां बना सकते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको आज ये भरवा छोटे वाले बैंगन बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। आप चाहें तो इससे अरबी बना सकते हैं, करेले बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने बीच से स्लिट किया है, पूरा नहीं काटा है, नीचे से 1/2 इंच जितना छोड़ दिया है। और इसे दूसरी तरीके से, इस तरीके से दूसरा स्लिट लगाएंगे तो ये 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। और अब हम इसमें मसाला अप्लाई करेंगे चम्मच की हेल्प से। ये देखिए ऐसे, और अब दूसरी तरफ से ऐसे। तो ऐसे ही हम सारे बैंगन में लगाएंगे। एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ऐसे एक स्लिट लगाएंगे और दूसरा स्लिट ऐसे। तो ये 4 टुकड़ों में बट गया है और चम्मच की हेल्प से हम इसे लगाएंगे। अगर आपको सूखा मसाला लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप इस मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे लगा सकते हैं। तो आप इस मसाले से चाहे तो अरबी बना सकते हैं, चाहे तो करेले बना सकते हैं, भरवा प्याज बना सकते हैं, भिंडी बना सकते हैं। ये जो मसाला है सभी तरह की भरवा सब्जियों के लिए बिल्कुल सुटेबल है। और भी काफ़ी सब्जियां आप अपनी चॉइस से इसमें बना सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा मसाला है और ये सब्जी जो है झटपट तैयार हो जाती हैं और 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं होती। तो आप बनाकर रख सकते हैं, किसी भी दाल सब्जी के साथ सूखी सब्जी खा सकते हैं। अब ये मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने करीब 1/2 कटोरी जितना सरसों का तेल डाला है। ये मैंने पहले से ही जला कर रखा था, अगर आपने जलाया नहीं है तो अच्छे से जला लें। ये देखिए, धुआं उठने लग गया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये हमारे भरवा बैंगन। ये देखिए, और ये जो प्याज हैं छोटे छोटे ये भी लिए हैं मैंने, इसी तरीके से काट कर इनमें भी मसाला भरा है। ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब जो है हम इसे ढक देंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ये धीरे धीरे पकते रहेंगे, 3 से 4 मिनट बाद उठाकर देखते हैं। अब हम जो है किसी चिमटे की हेल्प से इन्हें पलटेंगे। कोशिश करेंगे कड़छी की हेल्प ना लें, नहीं तो ये नाजुक होते हैं, टूट सकते हैं। इन्हें पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी बराबर से सिक जाएं। ये जो बैंगन होते हैं ना, बहुत ही नाजुक और टेस्टी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगती, बस 10 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, 2 मिनट के लिए और ढक दिया है हमने। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये पक चुके हैं। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए और हम पकाएंगे इन्हें। प्याज को भी पलट देंगे, हमें इन्हें बीच बीच में पलटते रहना है ताकि ये सारी तरफ से इक्वली पक जाएं। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए और हम इन्हें ढक देंगे बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पर। ये देखिए, ये रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें अब हम निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा ऑयल है इसी में हम अपनी जो मिर्ची है मसाले वाली वो फ्राई करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा या ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो मसाले में लाल मिर्च और आमचूर की क्वांटिटी उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि ये मल्टीपर्पस मसाला है, जब आप शादियों में जाते हैं तो भरवा सब्जियां खाते हैं तो ये वही मसाला है। आप चाहें तो आमचूर के साथ साथ इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और चटपटा करने के लिए अगर आप चाट मसाला डालेंगे तो आप नमक की क्वांटिटी कम कर दें। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और ये परांठे के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। ये जो ऑयल है हमारा, इसे थोड़ा सा और गर्म करेंगे और मैं इसमें डाल दूंगी ये सारी मिर्ची। ये देखिए सारी मिर्ची डाल देंगे। तो ये जो मिर्ची जो है कम से कम 5 से 6 दिन तक खराब नहीं होती अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करें तो। इसे अच्छे से एक बार हिला देंगे ताकि जो ऑयल है वो सब तरफ लग जाए मिर्ची में, सारा ऑयल जो है कोट हो जाए। और इसे हम ढक देंगे फिर से करीब 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पर। इसे एकदम लो आंच पर पकाना है, बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है। ये देखिए 2 मिनट में ही कैसी हो गई हैं। इन्हें एक बार और पलट लेंगे और 2 मिनट के लिए और कर देंगे। अगर आप थोड़ी कच्ची पक्की खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से भी खा सकते हैं। और हमने इसे एक्सेस ऑयल में, थोड़ा ज़्यादा ऑयल में इसलिए पकाया है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। अगर हम इसे कम ऑयल में पकाएंगे तो ये जल्दी ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि हमें इसे 5 से 6 दिन के लिए स्टोर करना है। तो इसलिए आप देखिए अब ये रेडी हो गई हैं, देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है ना। ये परांठे के साथ नाश्ते में खाएं बहुत ही टेस्टी लगेगी, और दाल चावल के साथ भी खाएं, उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। रेडी हो गई हैं, कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस मसाले से कौन सी सब्जियाँ बनाना चाहेंगे? तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? थी ना टेस्टी और मज़ेदार? इसे आप ट्राई ज़रूर करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिखें, और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।